इस लेक्चर में मार्च 15 का ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसके रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ गुड ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी हमसे रिक्वायर्ड है, और देन उसके फिर हमने अकाउंटिंग एंट्रीज करनी है जो जो रेलिवेंट होगी। तो ठीक है, अगर अकाउंटिंग एंट्रीज भी करनी है तो उसके लिए हमें ये दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। के एस लिमिटेड ऑपरेट्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए एंड बी टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू डिपार्टमेंट ए फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 14। तो एक जो प्रोडक्ट बन रहा है वो दो डिपार्टमेंट से होके गुजरता है, प्रोसेस होके गुजरता है, डिपार्टमेंट ए एंड बी। तो डिपार्टमेंट ए की जो है हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है 2014 की, ये लीटर्स दे दी हैं, फिर उसकी कॉस्ट दे दी है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बता दी है, एक्चुअल कॉस्ट फॉर द मंथ बता दी है, एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो 5% दे दिए हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस दे दिया है, और यूनिट ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी भी हमें बता दिए हैं। फिर बता रहे हैं के एस यूजेस फीफो मेथड फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। डायरेक्ट मटेरियल आर एडेड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस, एक्सपेक्टेड लॉसेज आर आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ इंस्पेक्शन विच टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, ओवरहेड्स आर अप्लाइड एट द रेट ऑफ 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तो यहाँ पे जो हमें ओवरहेड्स दिए हुए हैं 11,500, ये एक्चुअल है, लेकिन जो हमने कॉस्ट जो रखेंगे, जो हम लेके जाएंगे, वो 80% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो अप्लाइड कॉस्ट होती है उसको लेके जाएंगे, एक्चुअल को नहीं। फिर इन दोनों का डिफरेंस अकाउंटिंग एंट्री में कर लेंगे, तो देख चेक कर लेंगे कि अंडर अप्लाइड आ रहा है या ओवर अप्लाइड आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यूनिट्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं, वर्किंग वन कर लेते हैं। तो यूनिट्स जो हैं वो हमें लीटर्स में दिए हुए हैं, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, फिर उसमें इनपुट जो हमने मटेरियल डालेंगे उसकी लीटर्स ऐड हो जाएंगे, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस यहाँ से आउट हो जाएगा, फिर अगर कोई नॉर्मल लॉस की फिगर आ रही है, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स आ जाएंगे, इन दोनों के डिफरेंस में एबनॉर्मल गेन या लॉस आ जाएगा, और फिर हमें आउटपुट या ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी की यूनिट्स हमें आ जाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या गिवन है। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल जो कि 100% पे है, और कन्वर्जन जो कि 80% पे है, 15,000 लीटर्स हैं। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के 15,000 लीटर्स हैं, और यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, तो ठीक है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल के हिसाब से ये 100% कंप्लीट है, लेकिन कन्वर्जन के हिसाब से ये 80% बस कंप्लीट है। तो 20% जो कॉस्ट है अभी और लगेगी इस पे, कन्वर्जन 80% कंप्लीट है। इनपुट जो है एक्चुअल कॉस्ट फॉर द मंथ, जो इनपुट हमने पुट किया है वो 1,20,000 लीटर्स पुट किया है, 1,20,000 का इनपुट हमने डाला है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में कितने बच गए हैं, 17,000, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में 17,000, और ये कितने कंप्लीट हैं मटेरियल के हिसाब से 100%, मटेरियल पे पूरी 100% कॉस्ट लग गई है इनकी, कन्वर्जन पे सिर्फ 80% लगी है। तो कन्वर्जन पे ये 80% है, और हमें क्या दिया हुआ है, यूनिट ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी, मतलब ट्रांसफर आउट वाले यूनिट्स 1,20,000 जो डिपार्टमेंट बी में जा रहे हैं, 1,10,000 वो भी दे दिए। तो आउटपुट के यूनिट्स भी गिवन है, तो नॉर्मल लॉस सब कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मल लॉस के लिए इंस्पेक्टेड यूनिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। ओपनिंग के यूनिट्स प्लस परचेजेस के यूनिट्स माइनस क्लोजिंग के यूनिट्स, तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स आ गए 1,18,000। तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स का 5 नॉर्मल लॉस कितने हैं, एक्सपेक्टेड लॉस जो है वो हमारे 5% है, तो 5% लॉस, तो बैलेंसिंग फिगर जो है वो हमारी एबनॉर्मल गेन या लॉस आ जाएगा।
2100 जो है हमारा एबनॉर्मल लॉस की फिगर आ गई है। तो फर्दर इसमें हम लोग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स फाइंड कर लेते हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स में यूनिट्स की परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन आ जाएगी, उसके बाद मटेरियल मटेरियल की यूनिट्स आ जाएंगे और लेबर या कन्वर्जन के आ जाएंगे। के बाद क्योंकि फीफो मेथड यूज हो रहा है तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स आएंगे। यूनिट्स कितने हैं? 15,000 ये हमने यहाँ पे फाइंड किए हैं। फिफ्टीन थाउजेंड यूनिट्स मटेरियल के हिसाब से 100% कंप्लीट हैं। कन्वर्जन के हिसाब से इस पर 20% अभी और कॉस्ट लगनी है। 15,000 का 20% यूनिट्स और इन यूनिट्स पे अभी और कॉस्ट लगेगी। उसके बाद कंप्लीटेड कंप्लीटेड में जो आउटपुट के यूनिट्स थे 1,10,000, उसमें से ओपनिंग वाले हटा देंगे। रिमेनिंग 95,000 जो है उस पर 100% कॉस्ट लगेगी, 100% यूनिट्स पे कॉस्ट लगेगी। उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के जो यूनिट्स हैं वो हैं 17,000 और मटेरियल के हिसाब से ये 100% कंप्लीट है और कन्वर्जन के हिसाब से ये 80% कंप्लीट है। तो 17,000 100% कंप्लीट है और 17,000 का 80% जो है 80% यूनिट्स पे फाइंड आ गए। उसके बाद एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं 2100 और ये 100% है इसका। तो इंस्पेक्शन से 100% ही है तो 2100 नॉर्मल लॉस के यूनिट आ गए। उसके बाद इसको सम कर लेते हैं। तो ये हमारे इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड हो गए हैं। अब इन इक्विवेलेंट यूनिट्स के थ्रू हम लोग कॉस्ट पर यूनिट फाइंड कर लेंगे। कॉस्ट पर यूनिट अगेन मटेरियल की भी और लेबर और ओवरहेड्स अलग अलग दिए हैं तो इनके अलग अलग फाइंड कर लेंगे। कंप्लीटेड कंप्लीटेड यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो हमें क्वेश्चन में दी गई है। एक्चुअल कॉस्ट फॉर द मंथ मटेरियल की 36,240, 36,240। लेबर में जो कॉस्ट लगी है वो 14,224 और ओवरहेड्स में ये एक्चुअल ओवरहेड्स यहाँ पे नहीं आएंगे, यहाँ पे अप्लाइड ओवरहेड्स आते हैं। तो अप्लाइड ओवरहेड्स जो है वो 80% है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के। तो डायरेक्ट लेबर है 14,224, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का 80% जो है वो ओवरहेड्स हैं। उसके बाद अगर कोई स्क्रैप वगैरह की हमें वैल्यू दी भी होती तो यहाँ से माइनस हो जाती स्क्रैप लॉस वगैरह।
और यूनिट्स जो हैं वो मटेरियल के आ जाएंगे, और कन्वर्जन में लेबर और ओवरहेड्स पे दोनों के सेम हमने फाइंड कर ली हैं यूनिट्स। तो इस तरह हम लोग कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे यूनिट से। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉस्ट डिवाइड यूनिट, तो कॉस्ट डिवाइड यूनिट। तो अगर कॉस्ट पर यूनिट कन्वर्जन की अलग से फाइंड कर लेते हैं, कन्वर्जन की कॉस्ट पर यूनिट, तो उसमें लेबर प्लस ओवरहेड और टोटल कॉस्ट, ये ज़रूरी नहीं है तो अलग अलग भी हम रख सकते हैं, लेबर प्लस कन्वर्जन प्लस मटेरियल टोटल कॉस्ट पर यूनिट आ गए। इसके बाद जो है अब जो है हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट बी कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ एवेल्यूएशन बना लेते हैं, इसमें कंप्लीटेड यूनिट्स की कॉस्ट, तो इसमें सबसे पहले मटेरियल, मटेरियल के यूनिट्स हैं 95,000 इंटू मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट है उससे मल्टीप्लाई, लेबर लेबर के यूनिट्स हैं 95,000 और इसके कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई। सिमिलरली ओवरहेड्स में भी, ओवरहेड्स के यूनिट्स हैं 95,000 इंटू ओवरहेड्स का जो पर यूनिट का रेट है उससे मल्टीप्लाई। तो सम कर लेते हैं, तो ये तो आ गए कंप्लीटेड यूनिट्स के, और इसमें ऐड होने हैं ओपनिंग के यूनिट्स की कॉस्ट भी। तो ओपनिंग की जो कॉस्ट है वो देख लेते हैं, जो गिवन है वो है 5,000 और 2,125 मटेरियल और कन्वर्जन, तो मटेरियल पे 5 मिलियन की है और फर्दर जो कन्वर्जन मटेरियल पे तो ओपनिंग की कोई भी यूनिट्स नहीं थे, लेकिन 3,000 यूनिट्स होते हैं वो कन्वर्जन पे लगे हैं, तो 3,000 यूनिट्स इंटू कन्वर्जन का रेट, ये फर्दर और ओपनिंग यूनिट पे कॉस्ट लगी है। तो टोटल कर लेते हैं सम, दिस प्लस दिस प्लस, तो इस तरह हमारे पास टोटल कंप्लीटेड कॉस्ट आ जाएगी। अब इस कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट भी, वो भी हमने फाइंड कर ली। अब जो है अकाउंटिंग एंट्रीज कर लेते हैं इन द कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। सबसे पहले कॉस्ट जो वर्क इन प्रोसेस में लगी है उनको देख लेते हैं, मटेरियल की, लेबर की और कन्वर्जन की। तो वर्क इन प्रोसेस ए डेबिट और मटेरियल लेबर और कन्वर्जन क्रेडिट, तीनों की फिगर ले लेते हैं। मटेरियल की कॉस्ट लेबर की कॉस्ट और कन्वर्जन की कॉस्ट, ये तीनों सवाल में गिवन थी, सिंपली इसको एंट्री में डाल देंगे।
तो इन तीनों का सम जो है वो वर्क इन प्रोसेस में आ जाएगा। सेकेंड एंट्री कर लेते हैं, सेकेंड एंट्री अंडर ओवर अप्लाइड की बन जाएगी। कैसे? अप्लाइड FOH और एक्चुअल FOH से इसको कंपेयर कर लेंगे। तो एक्चुअल FOH जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो 11,500 और अप्लाइड FOH जो हमने फाइंड किए हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अंडर ओवरहेड होगा। तो अप्लाइड ओवरहेड्स कम है एक्चुअल के हिसाब से, तो कितना कम है? 1,20,800। तो ये अंडर अप्लाइड की फिगर आ जाएगी हमारे पास, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। थर्ड एंट्री जो है, तो वर्क इन प्रोसेस में जो हमने कॉस्ट फाइंड की है वो डेबिट, एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स जो थे वो 2100 के थे। 2100 इंटू टोटल पर यूनिट कॉस्ट, कितना लॉस की फिगर आ गई, और वर्क इन प्रोसेस ये यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा इनके टोटल से।